भारतीय जैन संगठन और नैसर्गिक आपदा इसका काफी गहरा रिश्ता है। महाराष्ट्र फिलहाल सूखे से जूझ रहा है, बीजीएस इस चुनौती का सामना कर रही है। जानवरों की 30 छावनियां क्रेडाई के सहयोग से महाराष्ट्र में चली रही है। ऊस भेटला, कुट्टी भेटली, त्यांच्यामुळे आमच्या जनावर जे खटकचे जाऊन जाणार होते ते प्रत्येक शेतकऱ्याच्या घरी राहील। जनावरांचे प्रत्येक शेतकऱ्यांनी जनावरांचे इन्शुरन्स घेतलेला आहे। उद्या काही समज छावणीमध्ये आग लागली किंवा सर्पदोष झाला, काही चावलं, एखादं जनावर जर दगावलं, त्याचा इन्शुरन्ससुद्धा त्यांनी स्वखर्चाने काढून घेतलेला आहे। त्या जैन संघटनेनं मुख्या जनावराला वैरण देणं म्हणजेच 24व्या तीर्थंकराला अभिवादन करणं या संकल्पनेतून ही मंडळी पुढे येत आहे। पाणी की समस्या को समजने के लिए श्री शांतिलाल जी मुथा चल पड़े मराठवाड़ा। बीड जिला पहाड़ियों का अकालग्रस्त क्षेत्र है, बंजर जमीन है एवं पानी की कमी है। बीड जिले का दौरा करने के बाद पता चला कि पिछले 50 वर्षों से तालाबों में से बड़े पैमाने पर गाल निकाला ही नहीं गया, इस वजह से तालाबों में पानी ही नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना हम तालाबों से गाल निकाल दें, किसानों के सहयोग से उनके ही खेतों पर इसे फैला दें तो नापीक जमीन सुपीक भी हो जाएगी और पूरे तालाब खुले भी हो जाएंगे, जिसमें बारिश में पानी भी रुकेगा और जिसका उपयोग पीने को और किसानों की खेती में भी होगा। योजना काफी महत्वाकांक्षी है, अमल में लाना उतना ही मुश्किल है। बीजीएस ने इस चुनौती को स्वीकार किया। पहले 25 तालाबों का गाल निकालने का उद्देश्य लेकर बीड जिले का दौरा किया गया, अधिक जरूरत समझते हुए 50 तालाबों का गाल निकालने का ऐलान किया। लोगों की जरूरत और कार्य का महत्व ध्यान में लेते हुए इस उद्दिष्ट को 100 तालाबों तक बढ़ाया गया। कम समय में इतने बड़े कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने के लिए खुद शांतिलाल जी मैदान में उतरे और 100 तालाबों का गाल निकालने का काम पूरा होने तक पूना में नहीं जाने का ऐलान भी कर दिया। नैसर्गिक आपत्ति सर्वात चांगला काम कोणत्या स्वयंसेवी संघटनेने केला असेल तर ते भारतीय जैन संघटनेने केलेलं आहे। साथियों हाथ बढ़ाइए, बीड जिले के इस परिवर्तन में एक तालाब को आपका नाम देकर इसके सहयोगी बनिए, ऐसा मौका फिर कहां आएगा।